आज की वीडियो में मैं आपको बताने जाने वाला हूँ कि जाल बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री लगती है। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो सबसे पहले हमको सीजर लगेगी, जो हमारे घर में होती है वो भी चलेगी। इसके बाद हमें एक धागे का बंडल लगेगा। ये धागा नायलॉन का है और ये मैंने बाज़ार से परचेस किया था और ये 1.5 नंबर का धागा है। इसके बाद आपको लकड़ी की पट्टी लगेगी जो स्मूथ होनी चाहिए। ये मैंने बाम्बू की बनाई है और ये अच्छी है। और इसके बाद हमारी मेन चीज लगेगी जिसको बोलते हैं हम नीडल। ये नीडल बाज़ार में इजीली मिलती है। ये नीडल मैंने बाज़ार से 20 रुपये में ली थी और ये आयन की नीडल है। और हमें एक धागा लगेगा, वो हमारे पहले वाले धागे से थोड़ा मोटा होना चाहिए। अब हम नीडल में धागा कैसे पिरोते हैं वो देखेंगे। ये देखो, ऐसे आपको धागा नीडल के ऊपर रखना होगा और ऐसे करके आपको फंदा लगाना होगा, मतलब गांठ लगानी होगी। ये देखो, इस तरह से हम गांठ लगा देंगे और उसको कस देंगे और फिर एक ये देखो ऐसे लगेंगे और मैंने कस दिया है। इसके बाद हम उस धागे को निडल के ऊपरी टोक से और नीचे के टोक से ऐसे करके डालेंगे और हमारे निडल में धागा पिरोने की प्रोसेस शुरू हो गई है। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।